महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है, ऐसा कहना है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा का। दरअसल अध्यक्ष शोभा ओझा सहित 5 सदस्यों ने गुरुवार को महिला आयोग में अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस मौके पर महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में हर रोज 16 से ज्यादा गैंगरेप, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैं। कई मामलों में महिलाओं को डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी की युवा कार्यकर्ता के वायरल वीडियो पर शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में ही महिला सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर रहा है महिला अत्याचार को लेके, रेप, गैंगरेप, हत्या, तमाम जो महिला अपराध है उसके लिए पूरे देश में लगातार नंबर 1 पे रहा है। और वहीं दूसरी ओर महिला आयोग जैसे संवैधानिक संगठन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, कमरों में ताले डाल दिए गए हैं, सदस्यों को और अध्यक्ष के किसी भी, जब हम महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोई पत्र भेजने की कोशिश करते हैं तो वो अधिकारी नहीं होने देते हैं।